सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में एक बहुत ही सिंपल रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है आलू कीमा। आलू कीमा सभी के घरों में आमतौर पर बनता है, लेकिन आज मैं आपको अपनी रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। तो आइए हम आलू कीमा के सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो ये 1 किलो मैंने मटन का कीमा लिया है। इसको अच्छे से वॉश करके मैंने छन्नी में डाल दिया था और इसका सारा एक्स्ट्रा पानी अब निकल चुका है। 3 मैंने आलू लिए थे, मीडियम साइज के आलू। इनको छील कर मैंने काट लिया है। आप अगर चाहें तो आलू कम या ज्यादा ले सकते हैं। 3 मैंने टमाटर लिए हैं, इनको बारीक काट लिया है। 4 मैंने मीडियम साइज की प्याज लेकर इसको भी बारीक काट लिया है। 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी ज्यादा मैंने ये हल्दी ली है। 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और ये 3/4 टीस्पून मैंने क्रश्ड रेड चिलीज ली हैं, यानी कुटी हुई लाल मिर्चें, 1.5 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 कप दही ली है। इसके अलावा मैंने ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 6 लौंगे, 1 काली इलायची, 4 हरी इलायची, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 4 मैंने ये बड़ी वाली हरी मिर्च ली है जो कि कम तीखी होती है। इनको हम ऐसे ही डालेंगे, अगर आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। 1/2 कप मैंने ये हरा धनिया काट लिया है और 2 टेबलस्पून भर के मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। तो आलू कीमा आज हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम इसमें आलू गलाने के लिए 2 सीटियां लेंगे, बाकी का ये बहुत आसानी से बन जाएगा। अगर आप चाहें तो कुकिंग पॉट भी ले सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप के करीब ऑयल लिया है। ऑयल में सबसे पहले हम डालेंगे ये खड़े गरम मसाले और इनको कुछ सेकंड के लिए हम पकने देंगे। अब डालेंगे हम इसमें प्याज और प्याज को हम लाइट गोल्डन फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर थोड़ा चेंज होने लगा है, लेकिन अभी हमें थोड़ी सी डार्क और करनी है, तो अभी हम थोड़ा सा इसे और फ्राई करेंगे। प्याज हमारी लाइट गोल्डन फ्राई हो गई है, ये देखिए। अब हम डालेंगे इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट। एक मिनट इसे हम भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब हम डालेंगे इसमें कीमा। कीमे को हम 2 से 3 मिनट के लिए बहुत अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए आप, कीमे ने कितना पानी छोड़ दिया है। हमें ये पूरा पानी ड्राई करना है। हम इसे इतनी देर भूनेंगे कि हमारा पूरा पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। थोड़ा पानी अभी इसमें बाकी है, थोड़ा सा अभी हम इसे और भूनेंगे। कीमे का पूरा पानी ड्राई हो गया है, इसमें से ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। अब हम अपनी गैस को की फ्लेम को लो करेंगे और इसमें सूखे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले डाल रही हूँ धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चिली फ्लेक्स और सॉल्ट। 1 मिनट इन्हें हम भूनेंगे। कीमे को हमने 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है, ये देखिए। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर। टमाटर डाल के हम इसे इतनी देर पकाएंगे कि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। कीमा भुन गया है,
टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम इसके अंदर डालेंगे दही। दही को हल्का सा हमने फेंट लिया है। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि दही का पानी ड्राई हो जाए और ये अच्छे से भून जाए। दही अच्छे से भुन गई है और कीमा भी बिल्कुल हमारा अच्छे से भुन गया है। इसमें से बिल्कुल देखिए आप, ऑयल सरफेस पर आ गया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर आलू। कीमा हमारा 90% इस स्टेज पर गल चुका है क्योंकि आधे घंटे से तकरीबन भुन रहा है। अब बस हमें आलू ही गलाने की जरूरत है। आलूओं को हम कीमे में 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इनमें भी अच्छे से कीमे का और मसालों का फ्लेवर आ जाए। आलूओं को कीमे में भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम डालेंगे इसमें 1/2 ग्लास पानी। आपकी मर्जी है, आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको कीमा थोड़ा सा ग्रेवी वाला पसंद है तो आप थोड़ा पानी ज्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमें आलू गलाने हैं इसलिए हम 1/2 ग्लास पानी डाल रहे हैं। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के इसमें मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 2 सीटियां लेंगे ताकि जो कीमे में कसर है वो भी और आलू भी हमारे अच्छे से गल जाए। फिर हम अपनी गैस को बंद कर देंगे। आलू गल गए हैं, प्रेशर कुकर की स्टीम निकल गई है, नेचुरली ही रिलीज हुई है। आलू कीमा हमारा तैयार हो गया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर ये हरी मिर्चें, साथ ही में ये हम हरा धनिया डाल देंगे। इन्हें मिक्स करेंगे। और 2 मिनट इसकी लिड को हम इसके ऊपर रखेंगे, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो देखिए तैयार है हमारा आलू कीमा। बहुत ही सिंपल लेकिन ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।